टुडे आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स मिन्यूएंड मीन्स एंड सबट्रैंड मीन्स हम अच्छे से पहली वाली क्लास में सीख चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। ओके, लेट्स डू वन बाय वन। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, वही चलेगा प्रोसेस की वंस की साइड से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। एंड मिन्यूएंड जो है हमेशा क्या होगा, बिगर नंबर होंगे, सबट्रैंड हमेशा स्मॉल नंबर होंगे, और इनमें से हम लेस करेंगे वो डिफरेंस होगा। मींस जो है हम जिसमें से लेस कर रहे हैं वो बिगर नंबर में से ही हमेशा स्मॉल नंबर लेस होंगे। तो हमारी डिजिट क्या है, 543। एंड स्मॉल नंबर जो है, नेक्स्ट जो दूसरा नंबर है, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकाल देना। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 543 एंड 231, इसको हमको निकाल देना है, तब हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, थ्री में से आपको वन लेस करना, मीन्स वन माइनस फ्रॉम थ्री। तो वन माइनस फ्रॉम थ्री में क्या होगा, अब आपको न तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ड्राइंग लाइन नहीं बनानी है कि थ्री लाइंस बनाई उसमें से वन कट किया, फिंगर मार्क्स में भी ये नहीं कि वन टू थ्री किया उसमें से वन को कट किया, नहीं। अब आपको क्या करना है, जो आपका नंबर है, जो आप स्मॉल नंबर है उससे आगे तब तक काउंट करोगे जब तक कि आपका थ्री नहीं आ जाता है। तो वन, वन से आगे क्या काउंट करोगे, टू एंड थ्री। तो हाउ मेनी नंबर्स, टू नंबर। तो टू जो है ये हमारा वन माइनस फ्रॉम थ्री में से जो है लेस करने पर डिफरेंस हमारा टू आ जाएगा। देन नेक्स्ट टेंस डिजिट पे फोर एंड थ्री, फोर में से हम थ्री लेस करेंगे, मीन्स थ्री माइनस फ्रॉम फोर। तो थ्री से आगे वन, फोर, थ्री एंड फोर, तो वन हो गया हमारा डिफरेंस ये। देन हंड्रेड डिजिट पे फाइव एंड में से टू लेस करना, मीन्स टू माइनस फ्रॉम फाइव। तो टू से आगे हम फाइव तक काउंट करेंगे, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो हाउ मेनी नंबर्स, थ्री। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया 312। तो 231 माइनस फ्रॉम 543, तो आवर डिफरेंस इज 312 इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 100, टेंस एंड वंस, आपको ऑलरेडी पता ही है। तो वंस से स्टार्ट करेंगे, 871 और 457। तो 457 माइनस फ्रॉम 878, तो 8 में से 7 लेस करना है, मीन्स 7 माइनस फ्रॉम 8, तो 7 के बाद 8, तो वन। नेक्स्ट सेवन, फाइव, फाइव से आगे आप काउंट करोगे, फाइव, सिक्स, सेवन, तो हाउ मेनी नंबर, टू, टू। एट एंड फोर, फोर माइनस फ्रॉम एट, फोर के बाद काउंट करेंगे, फोर से आगे फाइव, सिक्स, सेवन, एट, हाउ मेनी नंबर्स, फोर। तो 421, तो 457 माइनस फ्रॉम 870 तो इज आवर आंसर इज 421। देन नेक्स्ट, अब ये थ्री डिजिट थे, वंस, टेंस एंड हंड्रेड, अब फोर डिजिट आ गया हमारे पास, थाउजेंड, ना, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, 5452। तो 2341 माइनस फ्रॉम 5452। तो टू में से आपको लेस करना है वन, वन माइनस फ्रॉम टू, तो वन से आगे वन, टू, फोर माइनस फ्रॉम फाइव, फाइव से आगे वन, फाइव, फोर, फोर से आगे वन और हो गया तो फाइव, फोर, थ्री, फोर में से थ्री को लेस करना है, तो थ्री माइनस फ्रॉम फोर, तो थ्री के बाद वन, फोर। देन नेक्स्ट थाउजेंड की डिजिट पे आते हैं हम, टू माइनस फ्रॉम फाइव, तो टू के आगे काउंट करना है, तब तक काउंट करना है जब तक फाइव नहीं आ जाते, टू के बाद थ्री, सॉरी, थ्री, फोर एंड फाइव, तो हाउ मेनी नंबर, थ्री। तो आवर आंसर इज 3111, जो ही हमारा डिफरेंस आ जाएगा जब हम क्या लेस करेंगे, 2341 माइनस फ्रॉम 5452 में से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं हम, एट, 5008 एंड 2004, 8
8 में से आपको 4 लेस करना है, 4 माइनस फ्रॉम 8, तो 8 4 से आगे काउंट करेंगे 5 6 7 8, हाउ मेनी नंबर, 4। 0 में से 0, 0 माइनस फ्रॉम 0, 0 में से 0 है ही नहीं कुछ, उसमें से क्या लेस करना, तो फिर 0 ही आएगा, वही रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी अगेन 0 ही राइट करेंगे हम, 2 माइनस फ्रॉम 5, तो 2 के आगे 5 तक काउंट करेंगे, 2 के आगे 3 4 एंड 5, तो 3, तो और आंसर इज 3004। 2004 माइनस फ्रॉम 5008, तो और डिफरेंस इज 3004। देन नेक्स्ट 2724 माइनस फ्रॉम 3967, तो 7 में से आपको 4 लेस करना है, 4 माइनस फ्रॉम 7, 4 के आगे से काउंट करेंगे तब तक जब तक 7 नहीं आते, 4 के बाद 5 6 एंड 7, 3। 2 माइनस फ्रॉम 6, तो 2 के आगे से काउंट करेंगे 3 4 5 एंड 6, 4। 7 माइनस फ्रॉम 9, 7 के आगे से 9 तक काउंट करेंगे, 7 8 एंड 9, 2। 2 माइनस फ्रॉम 3, 2 के आगे काउंट करेंगे 3 तक, तो 2 के आगे 3 1, तो 2724 माइनस फ्रॉम 3967, आवर डिफरेंस इज 1243 इज आवर आंसर। देन नेक्स्ट 7478 5164, 4 से आगे काउंट करेंगे हम 5 तक, तो 4 माइनस फ्रॉम 8, 4 5 6 7 8, 4। देन 6 माइनस फ्रॉम 7, तो 6 से आगे 1 7, 1 माइनस फ्रॉम 4, तो 1 के आगे 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 3। 5 माइनस फ्रॉम 7, 5 से आगे 7 तक काउंट करेंगे, 5 6 एंड 7 2। ओके, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं कि किस हमेशा बिग नंबर्स में से स्मॉल नंबर को लेस करेंगे, तो अब आपको ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ सोल्व करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इसके अलावा आपके बुक में और भी क्वेश्चन है, उनको आपको अच्छे से सोल्व करके और प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।